जय हिंद दोस्तों, काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी यात्रा होने वाली बनारस और पटना के बीच में चलने वाली जन शताब्दी के अंदर। वैसे दोस्तों बता देता हूँ, जन शताब्दी ट्रेन को चलाया गया था एक राज्य को दूसरे राज्य को कम समय में कनेक्ट करने के लिए। हमारी जन शताब्दी का जो ट्रेन नंबर है वो है 15125, जो की बनारस से सुबह 6:20 पर निकलती है। उसके बाद वाराणसी, मुगलसराय, दिलदार नगर, बक्सर, आरा होते हुए पटना को सुबह 10:50 पर पहुंचती है। दोस्तों यह ट्रेन टोटल 233 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे के अंदर कवर करती है। बाकी हमारी ट्रेन बहुत ही अजब गजब नजारों से निकलने वाली, आप लोगों को एक खतरनाक एक्सीडेंट भी दिखाएंगे। बाकी दोस्तों करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों अपनी ट्रेन का निकलने का 6:40 का समय था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 7:40। ट्रेन अपनी 1 घंटे डिले के साथ में निकली प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। ठंड देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा हो रही है। दोस्तों वैसे आपको बता देता हूँ कि मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया था वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये वाराणसी से निकलती है अपनी 6:35 पर। फिलहाल यहाँ पे अपनी ट्रेन का डिले चल रहा है 1 घंटे का, क्योंकि आप देख सकते हो कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी आगे क्या होगा वो आपको पता लग ही जाएगा इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन पूरी खाली चलती है। मैंने बिल्कुल करंट में ही सीट बुक करी इस ट्रेन की, मतलब कि 1 घंटे पहले। चार्ट प्रीपेड होता है 4 घंटे पहले, लेकिन इस ट्रेन की जो सीट बुक की है वो मैंने 1 घंटे पहले ही बुक की है, जो कि मुझे कंफर्म सीट मिल चुकी है। सीट तो नॉर्मली विंडो साइड सीट है, दोनों हमारी, हम दो बंदे तो एक विंडो साइड सीट है, एक सामने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रेन का किराया क्या कुछ होने वाला है। अगर आप नॉर्मल चेयर कार में सफर करना चाहते हो तो उस ट्रेन का किराया 135 रुपये, जो कि बनारस से पटना के बीच। अगर आप इसी चेयर कार में सफर करना चाहते हो तो इस ट्रेन का किराया 460 रुपये, जो कि बनारस और पटना का कंप्लीट किराया है। बाकी ठंड देख सकते हो, बाहर मतलब हाथ अगर बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वैसे अलग ही लेवल की ठंड पड़ रही है सच में, आप मुझे देख सकते हो, एक ऊपर टोपा एक नीचे पैक, मतलब मैं भी पूरा पैक होकर चल रहा हूँ इस ठंड के अंदर। फिर भी यार आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, यार क्या फायदा यार। वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों फिलहाल अभी हम चल रहे हैं ऊपर, और नीचे की साइड में लाइन देख सकते हो, ऐसा देखने में एक अलग ही मजा है। और अभी हम स्किप करने वाले हैं काशी रेलवे स्टेशन को, इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे श्री माता गंगा जी का। बहुत ही सुंदर ब्रिज है। तो दोस्तों पुल ऊपर है रोड, और नीचे है अपनी गंगा नदी, और हमारी ट्रेन चल रही है पुल के ऊपर। लेकिन भाई कोहरा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, देखो दोस्तों नेक्स्ट लेवल कोहरा हो रहा है यहाँ पे। अलग ही लेवल का नजारा है दोस्तों यहाँ पे, तो अलग ही लेवल का नजारा है। दोस्तों फिलहाल अभी अपनी ट्रेन अराइव कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अपनी 1 घंटे डिले के साथ में चल रही है यहाँ पे ट्रेन। वैसे दोस्तों इस स्टेशन को मुगलसराय स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अपनी ट्रेन का टाइमिंग था सुबह के 7:30 का। ट्रेन का यहाँ पे ओनली 10 मिनट का स्टॉप है। टोटल 21 किलोमीटर की जर्नी हमारी यहाँ पे तय है। इसके अलावा दोस्तों स्टेशन पे आपको खाने पीने की सुविधा आपको सारे मिल जाएगी। ट्रेन निकलती है अपने यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो फाइनली डिपार्चर हो चुका है, मिलते डायरेक्टली आप लोगों को नेक्स्ट स्टेशन पर। दोस्तों बता देता हूँ, आज से 3 से 4 महीने पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था बिहार के बक्सर के बीच के आसपास हुआ था, जिस ट्रेन का नाम था नॉर्थ ईस्ट, जो आनंद बिहार और कामाख्या के बीच में चलती, जिसकी 21 बोगियाँ पटरी से उतर गई थी। अब आपको मैं वो हादसा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आज भी वो बोगियाँ पड़ी है, 4 से 5 बोगियाँ आज भी पड़ी है। तो दिखाता हूँ, वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर रखना। तो दोस्तों देख सकते हो नज़ारा यहाँ का।
दोस्तों अभी हमारी ट्रेन अराइव कर रही है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ स्टेशन को स्किप किया ठंडी की वजह से। बता देता हूँ 8:22 पर आता दिलदार नगर जंक्शन, उसके बाद करहटिया, उसके बाद बक्सर बिहिया, और उसके बाद अभी हमें ट्रेन अराइव कर रही है आरा जंक्शन, जहाँ पर अपनी ट्रेन का टाइमिंग था 9:39 का। ट्रेन का यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों यहाँ पे अपनी ट्रेन ने 184 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पे तय कर लिया। यहाँ से अपनी ट्रेन निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का प्लेटफॉर्म। दोस्तों यहाँ से डिपार्चर लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन आएगा डेस्टिनेशन पॉइंट पटना जंक्शन, तो डायरेक्ट मुलाकात करेंगे आप लोगों से वहीं पे। लेकिन बीच में सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, नदी है, वो आप ज़रूर देखते हुए चले। दोस्तों फिलहाल अभी हमारी ट्रेन अराइव कर रही है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार की राजधानी है। यहाँ पर हमें ट्रेन का टाइमिंग है 10:50 पे। टोटल यहाँ पे 233 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पे तय कर लेती है। बात कर लेते हैं पटना जंक्शन के बारे में कुछ बातें। दोस्तों पटना को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, पटना से गया की लाइन निकलती है। बाकी यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते दोस्तों बहुत जल्द एक खूबसूरत ट्रेन यात्रा में। जय हिंद जय भारत।